मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बालिका गृह से चार नाबालिग लड़कियां गायब हो गई हैं। भोपाल के नेहरू नगर बालिका गृह से चार नाबालिग लड़कियां गायब हो गई हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और हर तरफ बालिकाओं की खोज की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालिका गृह की अधीक्षक आकांक्षा सिंह तोमर ने कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की बारीकी से तहकीकात कर रही है। फिलहाल लड़कियों के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इस घटना से एक बार फिर बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले भी इस बालिका गृह से बालिकाओं के गायब होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। थाना कमला नगर में 1 जुलाई को अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 4 अपराध हमने पंजीबद्ध किए हैं, जो अधीक्षिका है बालिका सुधार गृह के, उनके लिखित आवेदन पर, जिनमें उनके द्वारा बताया है कि जो बालिकाएं हैं वो दीवार कूद के भाग गई हैं और उन्हें शंका है कि किसी के बहकावे में आके बालिकाएं वहां से गई हैं। उसके अपराध उसके लिखित आवेदन के आधार पर थाना कमला नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुछ फुटेज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसमें टीम भी लगा दी गई है, जो बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए पूरा प्रयास कर रही है और इसमें हम जल्दी ही दस्तयाबी करके फिर सूचित करेंगे आप लोगों को। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।